बेगूसराय के कण कण में बास करने वाले महान कवि, निबंधकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी 22 सितंबर की देर रात को ही बेगूसराय पहुंच गए थे। आज लगभग 11 बजे दिन में वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरौनी के 0 माइल स्थित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के स्मारक पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए पूर्व विधान पार्षद सह भाजपा नेता रजनीश सिंह, बेगूसराय नगर के विधायक कुंदन सिंह, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता के साथ साथ भाजपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। महामहिम को पहले तिलक लगा करके माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के सबसे श्रेष्ठ कवियों में एक माने जाते हैं। श्री दिनकर जी को आधुनिक काल का कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने राष्ट्रीय भावनाओं से भरे क्रांतिकारी संघर्ष को प्रेरित करने वाले अपनी शक्तिशाली कविताओं के कारण अपार लोकप्रियता हासिल की। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाने लगा। दिनकर जी हमारे बेगूसराय वासियों के रूह में निवास करते हैं। इसी श्रद्धा के साथ आए हुए तमाम अतिथियों ने सबसे पहले दिनकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके स्मारक पर बने मूर्ति पर पुष्प की माला पहनाकर उन्हें याद किया। दिनकर जी अमर रहे के नारे भी लगाए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि का जब आगमन हुआ तो उनका ग्रामीणों और रामधारी सिंह दिनकर स्मारक +2 हाई स्कूल के छात्र एवं छात्राओं व शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया। इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी व विशिष्ट अतिथि बेगूसराय के मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह, बेगूसराय नगर के विधायक कुंदन सिंह, मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह, बछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता, बिहार विधान परिषद के सदस्य सर्वेश सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष के साथ साथ और कई प्रबुद्ध समाजसेवी लोग को शामिल किया गया। आए सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक जयंती समारोह की शुभारंभ किया। सभी अतिथियों ने दिनकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद दिनकर सेवा संस्थान के तरफ से इन सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर इन अतिथियों का सम्मान किया गया। बारी बारी से सभी अतिथियों ने अपना अपना संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं की कुछ पंक्तियां के माध्यम से दिनकर जी को याद किया। आइए अब हम आपको इस जयंती समारोह के कुछ पल को दिखाने और सुनाने का प्रयास करते हैं। मटिहानी का स्वागत करते हुए समिति के उपाध्यक्ष कैलाश सिंह जी और श्रीमान राजेंद्र सिंह जी नेताजी, अपने बीच बिहार विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री सर्वेश कुमार सिंह जी हैं, श्री शंभु प्रसाद सिंह पूर्व जिला परिषद सदस्य, प्रतिदिन उनसे हम आग्रह करेंगे कि शंभु जी आए और आप अपने लोकप्रिय विधान पार्षद श्री सर्वेश कुमार सिंह जी का शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अपने बीच जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेंद्र पासवान जी हैं, हम उनका भी अभिनंदन इस मंच से करते हैं। श्री लक्ष्मण देव जिसे मेरा आग्रह है कि वो आए और अपने सुरेंद्र पासवान जी अध्यक्ष जिला परिषद को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव वर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने के लिए समिति के सदस्य श्री ललन प्रसाद सिंह जी,
से हम आग्रह करते हैं कि ललन जी आप आए और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष